अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आइए आज का व्लॉग शुरू करते हैं मॉर्निंग से। तो हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। तो आज मैंने सुबह से ही शूट करना स्टार्ट किया था, थोड़ी सी क्लिप ये ले ली थी मैंने मॉर्निंग टाइम की। तो अभी हम नाश्ता कर रहे हैं, उसके बाद में मेरे हस्बैंड चले गए थे साइड पर। और ये देखें रूम की हालत कुछ इस तरह से है, और मॉर्निंग के टाइम ऐसी ही रहती है रूम की हालत। ये देखें सब कुछ बिखरा हुआ है। और ये देखें मेरे बेटे को, इसने इधर भी ये ड्रेसिंग की ड्रॉर बाहर निकाली हुई है। और ये एक स्टिकर है जो कि इसने ग्लू से चिपकाया हुआ है, और ये कार भी ड्रेसिंग की ड्रॉर पर मॉम्स लिखा हुआ ये स्टिकर है। तो इसका सारा सामान उसने बाहर निकाल कर फेंका है। और ये देखें इसका ये एक एरो था, वो ख़राब हो गया था, टूट गया था बीच से, तो मुझसे इसने स्ट्रॉ मांगा था तो उस पर ही स्टिक करके दिया है। बट ये ज़्यादा देर तक टिका नहीं, तो इसलिए उसको दूसरा ही मंगवा के दिया था मैंने। वो स्ट्रो बैंड हो जाता था, वो फ्लेक्सिबल वाला स्ट्रो था, सीधा वाला स्ट्रेट वाला स्ट्रो नहीं था, तो वो बैंड हुए जा रहा था, तो इसलिए ये ज़्यादा देर तक ट्रिक काम नहीं आई। तो फिर मैंने उसको दूसरा मंगवा कर दे दिया था। अभी फ़िलहाल तो मैंने थोड़ी देर के लिए उसको लगा दिया था इसी के चक्कर में। अभी फ़िलहाल मैं करने लगी हूँ क्लीनिंग, डस्टिंग। और ये सारी मेडिसिंस वाली बास्केट है छोटी सी मेरे पास, तो जो मेडिसिंस वगैरह मैं लेती हूँ तो वो सारा कुछ बाहर बिखर गया था उसमें से। तो मैंने फिर सारी वो अच्छे से सेट की हैं। सुबह में मैं डेली ये दोबारा से बास्केट सेट करती हूँ। तो उसको सेट करने के बाद ये मुझे मिला था लिप बाम, और इसका प्राइस है ओनली 20 रुपीज़। और इसके बाद मैंने बेडशीट को अच्छे से झाड़ लिया है और उसे फिर से सेट कर लूँगी। और उसको सेट करने के बाद में मैं करने लगी हूँ मिरर को क्लीन, जो कि डेली इतना गंदा हो जाता है कि इसको ज़रूरी होता है डेली के डेली क्लीन करना। और उसके बाद में मैं क्लीन करने लगी हूँ बास्केट्स को, जिसमें मैं एक्स्ट्रा कपड़े वगैरह डाल के रखती हूँ। और इसे मैंने साफ़ किया तो इसमें काफ़ी डस्ट निकली है, उस पर स्पॉट्स दिखाई देते हैं तो बहुत ही गंदा लगता है। तो ये देखें अभी मैंने क्लीनिंग कर दी है रूम की। ये देखें मेरा बेटा हाय बोल रहा है। और इसकी ये है एक साइड में हमने बनाई हुई है बुक शेल्फ, तो इसको नाइट के टाइम में मेरे बेटे को आदत है कुछ पेंटिंग करने की, कुछ ड्राइंग करने की, तो ये इसने निकाल के ब्लैंक पेज फेंके हुए थे, तो मैं इसी को सेट कर रही थी एक बार फिर से। और 2 से 3 दिन में ये भी ऐसे ही इसकी हालत हो जाती है, 2 से 3 दिन बाद मुझे इसे फिर से सेट करना पड़ता है। तो अभी मैंने इसको कर दिया है सेट। और उसके बाद में ये मेरे पास एक रूम वाला छोटा डस्टबिन है, जिसमें कोई भी मैं गंदा कचरा नहीं डालती हूँ। अभी भी मैंने आपको इसे दिखाया था, जस्ट उसमें कुछ रैपर कोई चीज़ टॉफ़ी वगैरह हमने खाई है, उसकी कोई मेरा बेटा पेंटिंग ड्राइंग वगैरह करता है तो उसकी पैकेट थे। और यहाँ पर मुझे बालों से उलझन होने लगी थी, तो मैं बना रही हूँ बन, और अब मैं अपना काम कंटिन्यू करूँगी। उसके बाद मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू। और जब तक घर की क्लीनिंग ना हो, डस्टिंग ना हो, तो घर में मन भी नहीं लगता है। तो जब अच्छे से क्लीनिंग और डस्टिंग हो जाती है घर की, तभी कुछ बाकी काम करने का मन होता है। घर एकदम क्लीन ही होना चाहिए,
और मॉर्निंग टाइम तो हमेशा ऐसा होता ही है कि कितना भी समेट लो तभी भी वो बिखरा हुआ होता ही है सुबह के टाइम। और नाश्ता करने के बाद में ज़्यादातर मैं सबसे पहले क्लीनिंग करती हूँ, उसके बाद ही सभी बाकी के बचे हुए कामों को करना पसंद करती हूँ। जो शक्कर थी वो थोड़ी सी ही जार में हमने उस दिन की थी, बट ये ख़त्म हो गई थी, थोड़ी सी रह गई थी तो मैंने और इसमें डाल ली थी, तो जार को मैंने फुल कर लिया था। क्योंकि शक्कर हमें काफ़ी सारी लगती है चीनी के अकॉर्डिंग, चीनी अगर हम थोड़ी सी भी ऐड करते हैं दूध वगैरह में तो वो काफ़ी मीठा हो जाता है, बट शक्कर को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डालना हमें पड़ता है तब वो कहीं थोड़ा मीठा लगता है। और इसमें थोड़ा सा गन्ने का कुछ पीस मुझे इसमें मिला हुआ था जो कि मैं आपको दिखा रही थी, और ये क्लिप्स मैंने इस पर लगा के रखे हुए हैं, ये एयर टाइट रहता है, इससे मॉइस्चर वगैरह नहीं आता किसी भी पैकेट में। तो मेरा सॉल्ट भी ख़त्म हो गया था तो मैंने सॉल्ट को भी डब्बे में डाल लिया है। और जैसे कि मैंने सुबह नाश्ता वगैरह बनाया था, नाश्ते में पराठे वगैरह बनाए थे, तो गैस मैंने क्लीन नहीं किया था, तो ये मैं टॉप काउंटर को क्लीन कर लूँगी अच्छे से। और फिर उसके बाद बचते हैं बर्तन, तो उन्हें भी मैं अभी हैंड टू हैंड वॉश कर लूँगी ताकि फिर मैं अगर लंच बनाने लगूँगी तब बर्तन फिर से हो जाएंगे ज़्यादा, फिर वो और ज़्यादा हो जाएंगे। मैं इसीलिए थोड़े थोड़े करके बर्तन वॉश करते जाऊँगी ताकि ज़्यादा बर्तन इकट्ठे ना हों। और उसके बाद मुझे लंच की भी प्रिपरेशन करनी थी, और अभी कुछ दिन से मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी जिसकी वजह से मैंने डेली रूटीन भी आपके साथ शेयर नहीं किया है अच्छे से, तो आज मुझे थोड़ा बेटर फील हो रहा था तो मैंने वीडियो इसलिए शूट की है। तो मैंने टॉप काउंटर को कर दिया है क्लीन, ये देखें अब किचन में लंच बनाने में मज़ा आएगा, इसलिए थोड़ा सा ना क्लीन रहता है तो अच्छा लगता है काम करने में किचन में, और मन भी करता है कुकिंग करने का, अच्छी अच्छी डिशेज बनाने का, कुछ क्रिएटिविटी करने का, कुछ नया बनाने का। अगर किचन क्लीन होती है और अच्छी होती है, साफ़ सुथरी होती है, तो मन करता है कि अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएं और अच्छी अच्छी कुकिंग करें। तो ये किचन मेरा हो गया नीट एंड क्लीन, उसके बाद मैं लंच की प्रिपरेशन करने लगी हूँ और सब्जियों को कट करने लग गई हूँ। तो ये मैं अपने लिए कट कर रही थी तोरियाँ, तो मुझे अपने लिए बनानी थी तोरियाँ, और उसके जो ये छिलके हैं उसकी भी मैं एक चटनी आपके साथ शेयर करूँगी बनाना। और उसके बाद मैंने तोरियां ये कट कर ली थी क्योंकि तोरियां मुझे ही खानी थी, सिर्फ इसलिए मैंने थोड़ी सी ही तोरियां बनाई हैं और वो भी सिर्फ हरी मिर्च की। तो ये मैं बनाने लगी हूँ, इसमें मैंने थोड़ा सा ज़ीरा ऐड किया है और थोड़ा सा मैंने इसमें दो हरी मिर्चें ऐड की हैं, और थोड़ा सा मैंने इसमें हल्दी पाउडर और हींग डाल के, और थोड़ा सा मैंने पानी इसमें ऐड किया है। और इसके बाद में मैंने इसे थोड़ी देर के लिए चला लिया है और इसको सॉटे कर लिया है ताकि हल्दी की कच्ची जो स्मेल है वो निकल जाए। और हल्दी की कच्ची स्मेल निकल चुकी है, उसके फौरन बाद मैंने तुरई जो मैंने धो के रखी थी, और इन्हें पानी में मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ती हूँ। और जब भी मैं तोरी की सब्ज़ी सबके लिए बनाती हूँ तो मैं इसमें पानी ऐड नहीं करती हूँ, लेकिन मुझे डॉक्टर ने थोड़ा पतली सब्ज़ी बताई थी तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है उसमें, और मैंने स्पाइसेस कोई भी और इसके अलावा ऐड नहीं किए हैं। और उसके अलावा मैं कट करने लगी थी बीन्स और आलू की सब्ज़ी, जो कि बाकी मैं अपने हस्बैंड और अपने बेटे के लिए बना रही थी बीन्स और आलू की सब्ज़ी। हाँ, वो बात और है, उन्हें मेरी तुरई की सब्ज़ी इतनी पसंद आई थी कि वो उसी को ज़्यादा खा रहे थे और उसी में से उन्होंने खाया है, बट मैंने उन्हीं के लिए बनाई थी बीन्स की सब्ज़ी, बीन्स और आलू की सब्ज़ी। इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर भी की है पहले, एक सेपरेट वीडियो मैंने इसी पर बनाई भी है, अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देखें।
और उसके बाद में मैंने यहाँ से सारा सामान उठा लिया है। बीन्स को मैंने वॉश करके जाके रख दिया है और ये सारे छिलके वगैरह मैंने यहाँ से उठा लिए हैं। और ये मेरा दस्तरखान था जो कि थोड़ा ख़राब हो गया था, तो मैंने इसे सब्ज़ियाँ वगैरह कट करने के लिए रख लिया था। जैसे कोई हरी सब्ज़ी होती है, पालक, सरसों, शलजम वगैरह, कोई चीज़ मुझे अगर कट करनी होती है तो मैंने उसके लिए ये बनाया हुआ था अलग से, तभी मैं बिछाकर इसको कट कर लेती हूँ। और उसके बाद ये देखें, मेरी तुरई की सब्ज़ी बनकर रेडी है और ये बहुत ही टेस्टी लग रही थी। और ये मैंने जो छिलके उसके उतारे थे तुरई के, वो भी मैंने बॉईल करके रख लिए हैं एक साइड पर। और बीन्स को भी मैंने वॉश करके अभी फ्रिज में रख दिया है कुछ देर के लिए। और साथ ही साथ मैं थोड़े से फ्रूट्स खा रही हूँ। और जो छिलके हैं तुरई के, जो कि मैंने बॉईल करके रखे हैं, और ये मैंने सिल को अच्छे से वॉश कर लिया है और उस पर मैं ये छिलकों को पीस लूँगी। उसमें मैंने थोड़ी सी 1 से 2 हरी मिर्चें उसमें मैंने ऐड की थी, साथ में उन्हें भी पीस लूँगी, और थोड़ा सा नमक। और मैंने उनकी एक चटनी बना ली है, ये देखें। और उसके बाद में मैंने सिल को अच्छे से वॉश करके और फिर मैंने उसको उसकी जगह पर रख दिया है। तो मुझे कभी कभी सिल की ज़रूरत होती है तो इसलिए मैंने इसको रखा हुआ है। उसके बाद में मैंने थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल इसमें डाल लिया है और थोड़ा सा लहसुन मैंने काट कर रखा है, गार्लिक थोड़ा सा बारीक बारीक कट करके रखा हुआ है मैंने। और उसके बाद में मैंने उसको डाल दिया है तेल में। और इसके बाद जो मैंने ये चटनी बनाई थी तुरई के छिलकों की और उस हरी मिर्च और नमक जो ऐड किया था उसमें, वो फिर इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ हमें डालने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ ऑयल और लहसुन के तड़के में ही हम इसको ऐड कर देंगे और ये चटनी बनकर रेडी है। और वाकई में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो ये मेरी कुछ थोड़ी सी खिचड़ी रखी हुई थी, तो पहले मैंने इसको खाया है थोड़ा सा, और उसके बाद में मैंने अपनी तुरई की सब्ज़ी जो बनाई थी अभी। मैं अपना लंच कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसके बाद में मेडिसिंस भी लेनी थी, और मेरा बेटा गया था कलामे पाक पढ़ने, तो इसलिए खाना मैंने अभी खा लिया था क्योंकि उसको आने में लेट हो जाता और फिर मुझे दवाइयाँ भी खानी थी। तो इसलिए मेरा लंच हो गया है और मैंने यहाँ से भी समेट लूँगी, ये सारा क्लीन कर लूँगी। और ये सब समेटने के बाद में मेरा पोछा रह गया था और मैंने झाड़ू लगा ली थी, लेकिन पोछा मेरा अभी रह गया था। मैं कुकिंग करने लग गई थी, लंच बनाने लगी थी, तो उसके बाद में मैं अच्छे से सारे में मॉप लगा लूँगी और बाहर से भी और जाल के पास से, साइड से, और वॉश बेसिन एरिया सब कुछ क्लीन कर लिया है मैंने। और ये डस्टबिन जो मैंने आपको दिखाया था, ये भी अच्छे से वॉश करके सुखा कर रख दिया है। और उसके बाद में ये रूम रह गया था, वो भी क्लीन कर लिया है। उसके बाद हो गया था नमाज टाइम। और उसके बाद मैं पढ़ने लगी थी कलामे पाक। अल्लाह सभी की तमाम दिली तमन्नाओं को पूरा फरमाए, आमीन। और उसके बाद में मेरा बेटा आ गया था कलामे पाक पढ़ के, और उसके बाद मैं उसके कट करने लगी थी नेल्स। और फ्राइडे वाले दिन नेल्स ज़रूर कट करने चाहिए, और मेरे नेल्स भी काफ़ी बड़े हो रहे थे और मैंने भी कट कर ही लिया फाइनली, क्योंकि रमज़ान भी आने वाले हैं तो इसलिए। और ये मेरे बेटे के भी नेल्स बहुत ज़्यादा काफ़ी बड़े हो गए थे, तो उसके नेल्स भी मैंने कट किए हैं। और बच्चे इतना हिलाते हैं, डुलाते हैं कि डर लगता है उनके नेल्स कट करते हुए, बड़ी मुश्किल से नेल्स कट कराते हैं। तो उसके बाद में मैं ये अपने नेल्स कट करने लगी हूँ।
मैंने भी अपने सभी नेल्स अच्छे से कट कर लिए हैं फाइनली। और वैसे भी जब घर के सारे काम करते हम रहते हैं तो नेल्स टिक ही नहीं पाते हैं, वो टूटते रहते हैं बार बार, और उनको हमें ट्रिम करते रहना ही पड़ता है। इसलिए तो मैंने अभी फ़िलहाल सारे ही नेल्स कट कर दिए हैं और ये सभी नेल्स को इकट्ठा कर लिया है मैंने, क्योंकि नेल्स को मैं ऐसे ज़मीन पे नहीं फेंकती हूँ, तो मैंने सारे नेल्स अपने सूट पर ही इकट्ठा कर लिए थे। ये देखिए कितने सारे नेल्स कट के इकट्ठा हो गए हैं, तो मैंने डस्टबिन में डाल के अच्छे से हैंड वॉश कर लिया है। उसके बाद मैं अपने बेटे को खाना देने लगी हूँ और थोड़े से फ्रूट्स मैं खाने लगी हूँ यहाँ पर। थोड़े से ग्रेप्स मैंने ले लिए थे जो कि बहुत ही ज़्यादा मीठे थे, क्योंकि मैंने लंच किया था अभी, तो थोड़े बहुत ही मुझसे खाए गए, ज़्यादा मैंने नहीं खाए। और उसके बाद मैंने उठाकर रख दिए फिर से। और फिर मैं आ गई हूँ बीन्स और आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए। और पार्लर में भी कुछ कस्टमर्स को अटेंड किया है मैंने, उसके बाद 2 घंटे बाद कम से कम मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया है दोबारा से। तो आटा मैंने गूंथ कर रख लिया है और उसके बाद मैं बीन्स और आलू की सब्ज़ी बनाने लगी हूँ। और ये मैं रेसिपी दोबारा नहीं बताऊँगी, क्योंकि मैं एक बार इसकी सेपरेट वीडियो डाल चुकी हूँ अपने चैनल पर, तो एक बार जाकर आप देख सकते हैं वहाँ। और अपने बेटे को इसलिए मैंने फ्रूट्स नहीं दिए थे खाना खाते टाइम, फिर बच्चे अच्छे से खाना नहीं खा पाते हैं, इसलिए मैंने उसको बाद में फ्रूट्स दिए थे जब उसने अपना लंच फिनिश कर लिया था तब। और बीन्स आलू की सब्ज़ी बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है, एक बार रेसिपी देखकर ज़रूर ट्राई करें, काफ़ी टेस्टी ये सब्ज़ी लगती है और देखने में भी काफ़ी अच्छी लगती है। अपनी रेसिपी से अलग इसमें मैंने एक चीज़ और ऐड की है, उसमें मैंने आमचूर नहीं डाला था, बट यहाँ पर मैंने दही का थोड़ा सा पानी ऐड किया है इसमें, तो थोड़ा सा उसमें हल्का सा खट्टापन आने के लिए। आप चाहें तो आमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और सब्ज़ी को मैंने एक साइड पर लो फ्लेम करके रख दिया है दम पर, और उसके बाद में मैंने रोटियां बनानी शुरू कर दी हैं दूसरे साइड पर, क्योंकि मेरे हस्बैंड का टाइम हो चुका था आने का, तो मैं रोटियां बनाने लगी हूँ जल्दी जल्दी। और सब्ज़ी भी ऑलमोस्ट बन ही चुकी है, बस उस पर थोड़ा सा कोरिएंडर स्प्रिंकल करना था दम आने के बाद में। और उसके बाद में मैंने बना ली हैं कुछ रोटियां, और ये मेरी रोटियां भी बन चुकी हैं। और साथ साथ ही मैं सारा कुछ ये क्लीन करते जाऊंगी, और मैं किचन को हैंड टू हैंड क्लीन कर दूंगी, ताकि मुझे कुछ और भी काम हो तो मुझे किचन क्लीन मिले एकदम। और अगर आज की वीडियो मेरी आपको पसंद आई हो, आज का मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।